नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। आज मैं इंग्लिश सीरीज़ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके सामने हूं। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे और उन्हें कैसे याद रखना है उसकी बात करेंगे, उनकी ट्रिक्स की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का मतलब पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ वाइल्ड एंड नॉइजी डिश ऑर्डर। इसके लिए जो वन वर्ड यूज होता है वो है पांडेमोनियम, मतलब शोरगुल। अ वाइल्ड एंड नॉइजी डिश ऑर्डर मतलब शोरगुल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा। नेक्स्ट है आपका वन हु इंटायरली डिपेंड्स ऑन एनदर। उसके लिए वन वर्ड है आपका पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परपोषी, मतलब जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे पूर्ण रूप से, उसे कहते हैं हम क्या, पैरासाइट, परजीवी। किलिंग ऑफ वंस ओन फादर पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड यानी कि अपने ही पिता की हत्या करना, क्या कहलाता है, पैट्री साइड। और साइड मैंने आपको बताया था सफिक्स हमेशा क्या, किलिंग के रिस्पेक्ट में यूज होता है। ये जो साइड है CID, ये जो आपका सफिक्स है, ये सफिक्स क्या, हमेशा हत्या के सेंस में यूज होता है। मैट्री साइड, फ्रेट्री साइड, जैनो साइड, और यहाँ पर पैट्री साइड यानी अपने ही पिता की हत्या करना। वन हु लव्स वंस कंट्री, जो अपने देश से प्यार करे उसको कहते हैं पैट्रियॉट, देशभक्त। वन हु हैज नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जिसके लिए जीवन यापन के लिए कुछ भी ना हो, उसे कहते हैं PAUPER, पाउपर या पिपर। PAUPER इसका मतलब होता है कंगाल। वन हु वॉक्स ऑन फूट मतलब जो पैदल यात्रा करे, पैदल यात्री, उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री। एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय सी, वह भूमि जो लगभग किससे, समुद्र से घिरी हुई होती है, उसे बोलते हैं पेनिसुला। PENISULA, पेनिसुला। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना, लगातार प्रयत्न करते रहना, लगे रहना, उसे कहते हैं परसवरेंस। बहुत बार एग्जाम्स में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, परसवरेंस। इसका मतलब होता है लगन, पूरी लगन और मेहनत से, पूरी निष्ठा से काम करना। जो भी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताए और जो इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। और अभी जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जैसे DSSSB है, CTET है आपका, SBI एंड IBPS के एग्ज़ाम है आपके, SSC एंड रेलवेज़ के एग्ज़ाम है, उनमें ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से आएंगे। जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ और अभी तक जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने मेरे वीडियोज़ में देखे हैं, जो सीखे हैं, उनमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको अपने एग्ज़ाम्स में मिलना ही मिलना है। सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल सिलेक्टिव मैंने आपके लिए बनाया है, जिससे आपको क्या, कहीं भी जाकर टाइम वेस्ट करके पढ़ने की ज़रूरत ना हो, एक ही जगह आपको कॉम्पैक्ट चीज़ मिल जाए। तो जो फर्स्ट व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम स्टडी फॉर विन चैनल को वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, फर्स्ट व्यू कर रहे हैं, उनसे क्या कहूँगा कि वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या, उन्हें मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं और पुराने वीडियो जो उन्होंने मिस किए हैं वो भी वो देख सकें। क्योंकि इंग्लिश की ये एक टारगेट सीरीज़ है, इसमें सारे जो आपके अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सारे टॉपिक्स इसमें आपको बहुत ही ईजी वे में बताए जाएंगे। तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो रेगुलर वीडियोज़ को वॉच करें, वीडियोज़ को मिस करने से बहुत बड़ा लॉस है, बार बार ये मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाई सी, पेनिसुला। अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स मतलब जो हमेशा क्या, निराश रहता है, मतलब हमेशा नेगेटिव सोचता है, जिसकी थिंकिंग नेगेटिव होती है, उसे बोलते हैं पैसिमिस्ट।
पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी। लवर ऑफ मैनकाइंड, फिलेंथ्रोपिस्ट, जो क्या मानव जाति से प्रेम करे उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स, यानी कि क्या स्टाम्प्स जो आपके होते हैं, जो आपके क्या होते हैं डाक टिकट होते हैं, उनका संग्रह करना वो होता है फिलेथिलिस्ट। फिलेथिलिस्ट लवर ऑफ वुमेन काइंड उसे बोलते हैं फिलोजिनिस्ट। लवर ऑफ मैनकाइंड फिलेंथ्रोपिस्ट, लवर ऑफ वुमेनकाइंड फिलोजिनिस्ट। नेक्स्ट है आपका साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, फिलोलॉजी, PHILOGY, फिलोलॉजी। वन हु लीड्स अदर्स इन एनी फील्ड, जो क्या दूसरों को किसी भी क्षेत्र में या किसी भी दिशा में क्या करे, मार्गदर्शन करे, यानी कि अग्रसर। तो पायोनीर, पायोनीर का मतलब होता है अग्रसर, किसी को मार्ग प्रदर्शित करने वाला, पथ प्रदर्शक, पायोनीर। अ गवर्नमेंट बाय अ रिच एंड पावरफुल क्लास, प्लूटोक्रेसी, यानी कि जो गवर्नमेंट क्या पावरफुल लोगों के थ्रू रन की जाती है, पावरफुल लोगों की जो सरकार होती है उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन टू स्पाउसेस एट द सेम टाइम, पॉलीगैमी, मतलब एक साथ आपने कई विवाह कर लिए हो, यानी दो से ज़्यादा, मोर देन टू स्पाउसेस, मोर देन टू स्पाउसेस मतलब आपके दो से ज़्यादा विवाह हो। तो वन वर्ड उसके लिए क्या, उसके लिए वन वर्ड है आपका पॉलीगैमी, और GAMY गैमी सफिक्स मैंने आपको बताया था किसके लिए यूज़ होता है, ये होता है आपके मैरिज से रिलेटेड। और जो CID साइड है वो आपका क्या किलिंग के सेंस में यूज़ होता है, याद रखिएगा इसको। पर्सन हैविंग कमांड ओवर मैनी लैंग्वेजेस, जो क्या बहुत सारी लैंग्वेजेस पर जिसकी कमांड हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस वो जानता हो, पॉलीग्लॉट, बहुभाषाविद, बहुत भाषाओं को जानने वाला, पॉलीग्लॉट। रिसीव्ड आफ्टर डेथ, इट इज़ पॉस्थमस, मतलब मरणोपरांत, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला, मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो क्या है पोस्थोमस, मरने के बाद। एनीथिंग रिटेन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब पश्चलेख, लेटर पूरा लिख गया उसके बाद कुछ उसमें लिखना उसको कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। अ स्पीच और अ पोएम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, कोई आपका प्ले स्टार्ट होने वाला है उसके पहले क्या कोई स्पीच कहना या कोई पोयम कहना, कविता कहना, तो उसे कहते हैं प्रोलॉग, क्या बोलते हैं PROLOGUE, प्रोलॉग। वन हु इज वाइज, जो क्या है बुद्धिमान है, उसे बोलते हैं प्रूडेंट, PRUDENT। नेम टेकन बाय एन ऑथर इंस्टीड ऑफ हिज रियल नेम, मतलब बुक ऑथर ने लिखी है लेकिन वो अपना नाम यूज नहीं करता है, उसमें क्या कोई अदर नेम यूज करता है, उसे कहते हैं स्यूडोनिम, यानी कि छदम नाम, मतलब जो उसका वो नाम है वो असली नहीं है तो उसे कहते हैं स्यूडोनिम। फिर स्यूडो नहीं पढ़ेंगे इसमें, जो पी है आपका वो पी साइलेंट है, स्यूडोनिम। आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, पटाखे, फायरवर्क्स क्या होते हैं, फायरवर्क्स मतलब होता है पटाखे, तो पटाखे बनाने की कला क्या होती है, पायरो टेक्निक, PYROTECHNIC, पायरो टेक्निक। फोर फुटेड एनिमल्स, जिन जानवरों को क्या चार पैर हो, दो पैर वाले को क्या बताया था मैंने बाइप्ड, BIPED, दो पाया, और चार पैर वाले को क्वाड्रप्ड मतलब चौपाया, जैसे आपके गाय बकरी ये सब क्या है क्वाड्रप्ड, चार पैर वाले। वन हु लिव्स एलोन एंड अवॉइड्स कंपनी, जो क्या अकेले रहना पसंद करता है, जिसको क्या समूह में रहना या ग्रुप में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, रिक्लूज, RECLUSE, वन वर्ड है इसके लिए रिक्लूज। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ करना, रेड टेपिज्म, बहुत बार ये पूछा गया है एग्ज़ाम में, और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं इनमें इनमें से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलने ही मिलने हैं, ये मेरी गारंटी है। अगर ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने प्रिपेयर कर लिए, और उनको प्रिपेयर करने के लिए क्या बताया था कि आपको लिख लिख के पढ़ना है, मैंने भी ऐसे ही तैयार किए हैं, मुझे ये सारे वन वर्ड क्या सारे वन वर्ड याद हैं, लिख लिख के मैंने याद किए, दो बार लिखा, तीन बार लिखा,
ठीक है, तो लिख लिख के याद करिए। और कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो क्या, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मेरे अकाउंट्स के लिंक दिए गए हैं, फेसबुक के, ट्विटर के, इंस्टाग्राम में, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है, वीडियो से रिलेटेड डाउट है, या कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आती है, अदर कोई वन वर्ड है आपको उसको क्लियर नहीं हो रहा है, वो भी आप पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टडी फॉर विन फैमिली का मेंबर बन जाएं सक्सेस को पाने के लिए। सक्सेस आपकी श्योर है, इस फैमिली का मेंबर बन गए आप, वहीं से आपके क्या सक्सेस का स्टेप स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम लोगों का एम ही यही है, आपको सक्सेस दिलाना। आपकी सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ अ किंग, रेजी साइड, फिर से हत्या के सेंस में CID, साइड आपका सफिक्स यूज हुआ है तो रेजी साइड, साइड सफिक्स, हत्या के सेंस में तो किलिंग ऑफ अ किंग, राजा की हत्या, रेजी साइड। विटी एंड क्लेवर आंसर्स, चतुराई भरे और क्विक रिप्लाई करना, यानी कि सामने वाले ने कोई बात कही तो उसका बहुत ही चतुराई पूर्वक बहुत जल्दी प्रत्युत्तर देना, उत्तर का प्रत्युत्तर, उसे बोलते हैं रीपार्टी, REPARTEE, रीपार्टी। कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, यानी किसी चीज़ की क्या करना, कॉपी करना, या वैसी ही चीज़ हूबहू प्रोड्यूस कर देना। रिपिलका मतलब प्रतिकृति, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिकृति, रिपिलका। पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है, टेसी टर्न, इसके लिए टेसी टर्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और मुझे लगता है कि ये आपके नेक्स्ट एग्जाम्स जो भी आ रहे हैं उनमें किसी ना किसी एक में ज़रूर आएगा, टेसी टर्न, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन क्या वेरीफाइड ना हो। र्यूमर, अफवाह, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अफवाहें उड़ी है, अफवाहें उड़ी है, अभी न्यूज़ भी आपके आ जाती हैं कि ये कोर्ट केस हो गया, ये आज फैसला आया, ये न्यूज़ आ गई, तो बाद में पता चलता है कि ओ इट्स अ र्यूमर, यानी कि अफवाह। वायलेंट एंड अनसिविलाइज्ड, यानी कि जो क्या हो, उग्र हो और सिविलाइज्ड ना हो, उसे बोलते हैं सेवेज, SAVAGE। वन हु इज डाउटफुल, जो क्या हो, संदेह भरा हो, उसे बोलते हैं स्केप्टिक, SCEPTIC, स्केप्टिक या सेप्टिक भी बोल सकते हैं, जो क्या हो, संदेह भरा हो, डाउटफुल हो। एन ऑफिस फॉर विच हाई सैलरी इज पेड फॉर लिटल और नो वर्क, ऐसा आपका कार्यालय जहां पर क्या बहुत हाई सैलरी आपको पेड की जाती है बहुत थोड़े वर्क के लिए या कुछ भी वर्क ना करने के लिए, उसे बोलते हैं साइनोक्योर, SINECURE, यानी ऐसा ऑफिस जहाँ पर आपको क्या बहुत कम काम करना है या काम ही नहीं करना है और बहुत अच्छा आपको सैलरी मिल रहा है। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो क्या नींद में चलता है, और वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात करता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। वन हु वॉक्स इन स्लीप, सोमनाम ब्यूलिस्ट, ये क्या है, सोमनाम ब्यूलिस्ट। वन हु टॉक्स इन स्लीप, सोमिलोक्विस्ट, दोनों ही पूछे गए हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर, अपनी बहन की हत्या करना, सोरोसाइड, क्या सोरोसाइड, CID, जो फिर आपका, जो आपका सफिक्स आया है वो किसके साइंस में आया है, वो आपका आया है फिर से मर्डर के साइंस में, साइड जो सफिक्स आया है, तो किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर, सोरोसाइड। तो ये थे दोस्तों आज के आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस स्टडी फॉर विन फैमिली का मेंबर नहीं बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस प्यारी सी फैमिली का मेंबर बन जाएं अपने गोल को पाने के लिए। ये श्योर है कि अगर आप हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, यानी हम जो आपको स्टेप्स बताते हैं, मैं जो आपको स्टेप्स बताता हूँ उन पर आप चलते हैं, वैसे ही करते हैं, तो आपकी सक्सेस श्योर है। ठीक है, मेहनत आपको ही करनी है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको बता दे या यहाँ से आप देख लें और आप उसको मेहनत ना करें, उस पर वर्क ना करें तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मेहनत आपको करनी है, स्टेप्स हम लोग बताएंगे कि कैसे काम करना है। ओके, फ्री PDF का
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस वीडियो को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पेड करने की नीड नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF को डाउनलोड करें और ईजिली पढ़ें। और कोई भी डाउट है तो क्या, मेरे अकाउंट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जमकर पढ़ाई करिए। जय हिंद एंड जय भारत।